YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस के VX ऑप्शनल मॉडल के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ZX ऑप्शनल मॉडल है उसमें आपको सनरूफ है, 6 एयरबैग है, वो सारी चीजें देखने को मिलती थी। वहीं अगर आप इनोवा हाईक्रॉस के VX ऑप्शनल की बात करते हैं तो वो सारी चीजें आपको अब VX ऑप्शनल में भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं VX ऑप्शनल का ब्लैक कलर जो है वो आपके सामने है आज, और आज हम इसकी फुल रिव्यू वीडियो आपके लिए लेके आए हैं VX ऑप्शनल की। तो दोस्तों आप बात करते हैं गाड़ी के प्राइस से, तो प्राइस आप देख सकते हैं दोस्तों 27,27,000 से एक्स शोरूम स्टार्ट रहने वाली है इनोवा VX ऑप्शनल। और इसके साथ ही आपको मैं बता दूं जो फर्क यहाँ पे देखने को मिलता था ZX टू ZX ऑप्शनल, तो सबसे पहले जो फर्क था वो आप देख सकते हैं जो फोगलैम्प है, फोगलैम्प आपको यहाँ पे ZX ऑप्शनल और ZX मॉडल के अंदर ही देखने को मिलते थे, वहीं आप अब इनोवा हाईक्रॉस के VX ऑप्शनल में भी आपको फोगलैम्प देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों फ्रंट से अगर चेंज की बात करते हैं तो फ्रंट में एक फोगलैम्प का ही चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक में आपको क्या क्या एडिशनल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बात करते हैं LED हेडलैम्प से, तो हेडलैम्प आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प का यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है दोस्तों। और साथ ही आपको मैं बता दूं जो क्रोम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट के अंदर यहाँ पे क्रोम सराउंड आपको देखने को मिलेगी। जो टोयोटा का लोगो है वो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ थोड़ा सा नीचे अगर देखेंगे तो फ्रंट पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पे इनोवा हाईक्रॉस VX ऑप्शनल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ZX ऑप्शनल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको DRL का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि VX ऑप्शनल में आपको DRL का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं फ्रंट से अगर आप गाड़ी को देखेंगे तो VX ऑप्शनल में आपको फोग लैंप यहाँ पे एडिशनल देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं जो साइड प्रोफाइल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अलॉय व्हील है वो यहाँ पे आपको 17 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। और ZX ऑप्शनल की अगर बात करते हैं तो वहाँ आपको 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलता है। तो VX ऑप्शनल में जो अलॉय व्हील है वो यहाँ पे आपको ZX वाले नहीं मिलेंगे, इसमें आपको यहाँ पे 17 इंच के अलॉय व्हील ही देखने को मिलेंगे। और साथ ही आप देखेंगे जो ORVM के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, हाइब्रिड की बैजिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी यहाँ पे आपको यूनिक स्टाइल में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा रिक्वेस्ट सेंसर का यहाँ पे बटन होता है, इसमें यहाँ पे आपको बटन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको ओनली टच करना है, गाड़ी लॉक या फिर अनलॉक आपके यहाँ पे हो जाएगी। और साथ ही आप देख सकते हैं जो गाड़ी के अंदर साइड प्रोफाइल है, डायमेंशन है, वो बिल्कुल सेम रहेगी ZX ऑप्शनल और VX ऑप्शनल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे डायमेंशन जो है बिल्कुल सेम रहने वाली है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों रियर प्रोफाइल पे, तो रियर प्रोफाइल पे मैं आपको बता दूं जो शार्क फिन एंटीना है वो भी यहाँ पे आपको ZX ऑप्शनल और VX ऑप्शनल के अंदर सेम रहेगा। और आप देख सकते हैं रियर स्पॉइलर है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम रहने वाला है, रियर डिफोगर है, रियर डिफोगर भी आपको देखने को मिल जाएगा, रियर वाइपर है उसकी सुविधा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं क्रोम के, तो क्रोम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैक डोर पे एक क्रोम सराउंड आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही बात करते हैं 360 व्यू कैमरा है इसमें, तो आपने देखा होगा फ्रंट में भी कैमरा है, तो यहाँ पे आपको रियर प्रोफाइल में भी आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर की अगर बात करते हैं तो 4 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पे इनोवा हाईक्रॉस VX ऑप्शनल में देखने को मिल जाएंगे। और टेल लाइट की अगर बात करते हैं तो LED टेल लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि एक यूनिक स्टाइल में यहाँ पे आपको LED टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी के अंदर से आपको दिखाते हैं कि VX ऑप्शनल में आपको अंदर से क्या क्या एडिशनल यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो डोर है, डोर के ऊपर ही आप देख सकते हैं लेदर की सॉफ्ट टचिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, डोर हैंडल है वो यहाँ पे आपको क्रोम के साथ देखने को मिलेंगे। और कंट्रोल की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों चारों पावर विंडो रहने वाली है, डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन आप दिया हुआ है, और ORVM वो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग से, तो स्टेयरिंग पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और राइट साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल, ZX ऑप्शनल में आपको अडास सिस्टम जो है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो मिलता है, बट यहाँ पे आपको सिंपल क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और साथ ही आप देखेंगे पैडल शिफ्टिंग है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी इनोवा हाईक्रॉस के VX वेरियंट के अंदर। और म्यूजिक सिस्टम की अगर बात करते हैं तो 10.1 इंच का यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम सेम रहने वाला है दोस्तों, और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कार के साथ आपको
म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और एसी जो है वो आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे एसी देखने वाली है। और एमआईडी की अगर बात करते हैं तो 7 इंच की यहाँ पे आपको फुल डिजिटल एमआईडी कंट्रोल देखने को मिलेगा, जो कि जेडएक्स ऑप्शनल में बिल्कुल सेम रहने वाला है। और गियर नॉब की अगर बात करते हैं तो गाड़ी आप पता ही है आपको ऑटोमेटिक है, मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको मिलता है व्यू का ऑप्शन, जिसमें आप 360 व्यू के अराउंड में आप चारों तरफ का गाड़ी का व्यू देख सकते हैं। जो हैंड ब्रेक है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल पावर हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा। होल्ड असिस्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप रेड सिग्नल पे गाड़ी को होल्ड करते हैं तो बार बार आपको ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आपकी होल्ड हो जाएगी। ड्राइविंग मोड भी आप देख सकते हैं, 3 प्रकार के यहाँ पे ड्राइविंग मोड देखने को मिलेंगे। गाड़ी को आप प्रॉपरली ईवी मोड पे भी चला सकते हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो बैटरी के जरिए चलती है, तो इसमें आप इसको ओनली गाड़ी को बैटरी के ऊपर भी चला सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है, बर्फ वगैरह पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी आपकी स्कीड नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन भी आपको इनोवा हाईक्रॉस के VX ऑप्शनल में सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं उन फीचरों की कि VX ऑप्शनल में आपको अंदर से क्या एडिशनल आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, जो गाड़ी के अंदर यहाँ पे VX मॉडल है उसके अंदर आपको 2 एयरबैग देखने को मिलते थे, वहीं VX ऑप्शनल में आपको यहाँ पे 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे, जो कि ZX ऑप्शनल में भी आपको 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं। तो VX ऑप्शनल में भी आपको यहाँ पे 6 एयरबैग ही देखने को मिलेंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ, जो कि टोयोटा की ZX ऑप्शनल गाड़ी के अंदर देखने को मिलता था, वो आपको अब VX ऑप्शनल में भी पैनोरामिक सनरूफ के साथ VX ऑप्शनल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। स्पेस के मामले में अगर बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो फ्रंट से मैंने आपको पूरा रिव्यू कर दिया है, अब चलते हैं गाड़ी की बैक सीट पे और दिखाते हैं आपको बैक से क्या एडिशनल गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है, गाड़ी के अंदर कितना स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे इनोवा हाईक्रॉस VX ऑप्शनल के अंदर देखने को मिलेगा। रियर सीट पे आप देख सकते हैं, रियर सीट के लिए सेपरेट यहाँ पे आपको एसी देखने को मिलेगा, जिसके कंट्रोल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो एसी वेंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा में, जो बीच में एसी वेंट आते थे, इनोवा हाईक्रॉस के अंदर आपको वो साइड में एसी वेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी अच्छे यूनिक स्टाइल पे यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट का भी ऑप्शन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और थर्ड रो की अगर बात करते हैं तो थर्ड रो में भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे इनोवा हाईक्रॉस के अंदर देखने को मिल जाएगा। और एक और इसके अंदर नया यहाँ पे इन्होंने दिया है, जो आप देख सकते हैं जो पार्सल ट्रे टाइप से यह है, 10 किलो की कैपेसिटी के साथ आपको यहाँ पे कप होल्डर और एक ट्रे मिल जाती है, जिसमें आप खाना पीना यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सेकंड रो भी आपने देख ली, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की तरफ। तो बूट स्पेस आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो टेलगेट है वो यहाँ पे पावर टेलगेट नहीं मिलेगा, हाइड्रोलिक टेलगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको थोड़ा सा टच करना है, गाड़ी जो है टेलगेट है वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोलिक पंप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं गाड़ी में स्पेस की, तो स्पेस में आप देख सकते हैं बूट स्पेस आपको कम लग रहा है, बट इसमें आप देख सकते हैं अपना जो स्पेयर पाना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, स्पेस आपको कम लग रहा है। बट इनोवा हाईक्रॉस की अगर बात करते हैं तो थर्ड रो है वो पूरा फ्लैट यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जो सीट है वो यहाँ पे आप फ्लैट कर सकते हो, जिसके कारण आपको अच्छा खासा स्पेस आपको इनोवा हाईक्रॉस के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, कंपेयर करते हैं इनोवा क्रिस्टा से, तो इनोवा क्रिस्टा की जो सीट थी वो राइट एंड लेफ्ट फोल्ड होती थी, बट ये जो सीट है आप देख सकते हैं फ्लैट फ्लोर हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इनोवा हाईक्रॉस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो था इनोवा हाईक्रॉस VX ऑप्शनल का रिव्यू, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।